तो आजकल क्लास 12 मैथ के अंतर्गत हम लोग आज अभ्यास प्रश्नावली को शुरू करने वाले हैं 10.2 और 10.2 में मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। परिमाण आपको निकालना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी बराबर 2i माइनस 7j माइनस 3k, और वेक्टर सी बराबर 1/3i प्लस 1/3j माइनस 1/3k। तो आइए हम लोग हल करते हैं कैसे इसका परिमाण निकालेंगे। तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, आपको बस थोड़ा सा समझना है और लगाते चलना है। आइए देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए, आप पहला जो सवाल दिया उसका परिमाण निकालेंगे ना, तो याद होगा ए स्क्वायर ए वन का स्क्वायर बी वन का स्क्वायर सी वन का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, तो कर्णी में 3 आ जाएगा। वेक्टर बी का परिमाण निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4, 7 का 49, 3 का 9, कर्णी में 62 हो जाएगा। और वेक्टर सी का निकालेंगे ना, तो देखिए 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो 1/3 कर्णी बाहर निकल जाता है ना। कोई भी सवाल होगा कर्णी के अंदर है, जब स्क्वायर करते हैं तो कर्णी से बाहर निकल जाता है, तो 3/3 एक आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार फिर देखते हैं। कहता है कि समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए जिसका मान जिसका परिमाण समान होता है। वेक्टर ए बराबर आई प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर बी बराबर 3i प्लस जे प्लस 2k, दोनों का परिमाण निकाल के देखिए। वेक्टर ए का निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर है, देख रहे हैं ना यहाँ पर 1 है, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कर्णी में 14। वेक्टर बी का निकालिए, बी यहाँ पर देख रहे हैं, तो बी का जब निकालेंगे ना तो देखिए उसका भी निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो इसका भी निकालेंगे तो कर्णी में कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, देख रहे हैं। चलिए ठीक है, परिमाण दोनों का समान है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखे जिसका दिशा क्या समान है। कुछ भी आप एग्जांपल में लिख सकते हैं, वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी बराबर 3i 3j 3k, तो वेक्टर ए का दी को साइन निकालेंगे ना, याद है दी को साइन कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक, पहले इसका परिमाण निकालिए, कर्णी में 3 आएगा ना, तो 1/3 इसका निकाल के देखिए। देखिए इसका तो भाई 3 × 3 = 27 होगा, 3 × 3 3 × 9 तो होता है ना, 3 × 3 में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। थोड़ा सा ये लिखने में मिस्टेक कर दिया है, सबके नीचे 3 रहेगा 27 के लिए, समझ गए। तो बी का डी को साइन निकालेंगे, 3/3 × 3 सब 3 कट जाएगा, 1/3 × 3 तो बता सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही दिशा में होंगे, क्योंकि दोनों का परिमाण सेम है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है, हम लोग हल भी किए हैं एग्जांपल में। कहता है कि एक सरवाई के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i प्लस 3j और xi प्लस yj समान हो। क्या बात है, हमें तो तुलना कर देना है, 2i का तुलना xi से कर देंगे, तो i से i कैंसिल, तो x का मान 2 आ जाएगा, 2i और xi है तो 2 से i से i कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया 2, और 3j yj तो j से j कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया 3, कितना आसान है देखिए। तो 2i का गुणा y, एक बार फिर देखिए, i से किए तो i से i कैंसिल, x का मान 2, 3j का गुणा yj से, तो j से j कैंसिल, y का मान 3 निकल गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं ना, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु, ओके एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2, 1 और अंतिम बिंदु -5, 7 है, तो इस सदिश का अदिश और सदिश घटक बताइए। क्या बात है, अदिश और सदिश घटक आपको क्या करना है बता देना है, याद करो जब ए बी है ना तो अदिश घटक बताना है, तो x2 − x1, देखिए ये x1 हो जाएगा y1, ये x2 y2, बाय हाई x1 y1, ये x2 y2, तो x2 − x1 तो -5 और -2 हो जाएगा i इसके साथ, और 7 − 1 तो इसके साथ j हो जाएगा, तो -7i +6j हो जाएगा। यानी आप यहाँ पर अगर बात करते हैं अदिश के, तो अदिश में तो -7 और 6 हो जाएगा, लेकिन सदिश के बात करेंगे तो इसके साथ, सदिश के साथ आई जे होना चाहिए तभी ना दिशा का बोध होगा, तो 7i − 6j लिख देंगे, -7i − 6j। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, देख रहे हैं 6 में दिया भी है कि वेक्टर ए बराबर i − 2j प्लस के, वेक्टर बी बराबर -2i प्लस 4j प्लस 5k, और वेक्टर सी बराबर i − 6j माइनस 7k का योगफल ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं,
तो ए का मान दे दिया, बी का मान दे दिया, सी का मान दे दिया, इसका योगफल ज्ञात करना है। चलो योगफल का मतलब क्या होता है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ए का मान पूरा है प्लस जो बी है इसका है प्लस सी का मान। तो आई के साथ आई लिखते हैं, सुनो तो आई और ई आई दोनों सेम है ना, माइनस टू आई तो जोड़ देंगे। तो देखिए आई माइनस टू आई, आई सबको जोड़ देंगे, यहाँ पर आई है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों क्यों, आई और ई आई दो आई माने दो आई से प्लस दो आई कैंसिल जीरो। अच्छा ये दो जे, ये प्लस चार जे है माइनस पाँच के, तो एक काम करिए पाँच को और दो को जोड़ेंगे तो सात, और सात में चार घटा देंगे तो माइनस सात, पाँच और दो सात। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि पाँच और दो सात है, और उसके बाद से आप इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा माइनस चार, माइनस चार जे और माइनस के आपका आंसर आ जाएगा। ओके तो क्वेश्चन नंबर अब सात के पास चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सात भी हम लोग देखते हैं कि सात को कैसे हल करेंगे। तो सात नंबर क्वेश्चन कहता है कि सदिश वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस टू के अनुदिश एक एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। याद होगा मात्रक सदिश की जब बात करता है तो वेक्टर ए का मान देखिए रहे हैं आई प्लस जे प्लस टू के हैं, फिर मार्ग में वेक्टर ए का निकालेंगे तो सब करने के अंदर हो जाएगा ना, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। तो जब सबका मान अगर आप निकालते हैं तो एक का स्क्वायर एक, एक स्क्वायर एक कड़ी में छ हो जाएगा। तो वेक्टर ए का मात्रक सदिश है तो वेक्टर ए बटा मार्ग में वेक्टर ए, वेक्टर ए का मान जैसा है ना आई जे टू के वैसे ही लिख दीजिए, मार्ग में वेक्टर बी का मान छः है अलग अलग करिए तो आई बटा कड़ी में छ और जे बटा कड़ी में छः, इसके साथ कुछ भी नहीं है प्लस दो के बटा कड़ी में छः और आंसर होना चाहिए। आप इसको लगा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर आठ के पास चलते हैं। आठ कहता है कि सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु पी और क्यू क्रमशः एक दो तीन और चार पाँच छः है। कितना आसान क्वेश्चन ये भी है। देखिए कहता है कि सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु पी और क्यू क्रमशः एक दो तीन और चार पाँच छः। चलिए तो आपको एक बार क्या दिखाना है, सदिश ज्ञात करना है। चलिए तो पी क्यू को मान एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे प्लस जेड टू माइनस जेड वन के हो जाएगा। तो चार में से एक्स वन वाई वन जेड वन होगा, एक्स टू वाई टू जेड टू होगा, तो चार में से एक आई, पाँच माइनस दो जे और छः माइनस थ्री के, और यहाँ पर हो जाएगा चार में से एक जाएगा तो थ्री आई, पाँच में दो जाएगा तो थ्री जे प्लस थ्री के हो जाएगा। ठीक है पी क्यू का अनुदिश मात्रक सदिश कह रहा था पी क्यू बटा मार्ग में पी क्यू या ए बटा मार्ग में ए, तो जैसा है थ्री आई थ्री जे थ्री के और यहाँ पर थ्री का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर, तो आपका तो पूरा सत्ताईस होगा कर्णी के अंदर, नौ 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 सत्ताईस है। सत्ताईस के लिए आप क्या लिख सकते हैं, तीन कर्णी में तीन लिख सकते हैं तो आ जाएगा तीन आई प्लस तीन जे प्लस तीन के नीचे तीन कर्णी में तीन अलग कर दीजिए, तीन से तीन कट जाएगा ना तो आई बटा यानी एक बटा कर्णी में तीन आई हो जाएगा, यानी तीन कामन ले लीजिएगा तीन से तीन कट जाएगा तो आई प्लस जे प्लस के आंसर आ जाएगा। ठीक है आप चाहें तो अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो अलग अलग करके अगर लिखते हैं तो देखिए यहाँ से आई बटा यानी एक बटा कली में तीन आई प्लस एक बटा कली में तीन जे प्लस एक बटा कली में थ्री के। तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको चाहें तो लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ के पास चलते हैं। कहता है कि एक दिए हुए सदिश वेक्टर ए बराबर टू आई माइनस जे प्लस टू के और वेक्टर बी बराबर माइनस आई जे माइनस के लिए सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात। अरे करना क्या है ना, दोनों का जो दीजिए बाटा में दोनों का मार्ग में, यानी जब मात्रक सदिश पूछ रहा है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाटा में मार्ग में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जैसा आपको बनाना हो। तो आइए देखते हैं वेक्टर ए का मान दे दिया है, वेक्टर बी का मान दे दिया है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपका है तो फिर आपका वही होगा कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो आई में माइनस आई तो दो आई यानी दो माइनस आई यहाँ पर आई, दो माइनस एक तो आई हो जाएगा, माइनस एक एक जे, दो माइनस एक तो के। अच्छा देखो ये तो जीरो, तो आपका दो में से एक जाएगा केवल आई और ये जीरो हटाओ, दो में से एक जाएगा केवल के, तो ये तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान निकल गया आई प्लस के। लेकिन अगर मार्ग में हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का निकालते हैं तो आया है ना, इसके साथ एक है इसके साथ एक है तो एक इसका प्लस एक इसका कर्णी में दो। अब हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का अनुदिश मात्र सदिश, तो क्या हो जाएगा जो आपका आया ना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बटा में मार्ग में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान है आई प्लस के, इसका मान आया है मार्ग में कर्णी में दो, कर्णी में दो आया है तो एक बड़े कर्णी में दो आई प्लस एक बड़े कर्णी में दो के आंसर आ जाएगा।
सिंपल सा क्वेश्चन था, लगा सकते हैं। आइए अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 के पास चलते हैं। कहता है कि सदिश 5i-j+2 के गणित एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए कि एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जो कि आपको बताए कि यहाँ अनुदिश है आपका। तो देखिए सबसे पहले वेक्टर a बराबर 5i-j2 के और वह उसका परिमाण 8 होना चाहिए। देखिए तो सदिश निकालेंगे तो 8 गुणे वेक्टर a बटा मार में वेक्टर a, तो 8 गुणे वेक्टर a का मान 5i-j2 के करें 25+1+4, तो यहाँ पर 8 वैसे ही लिखेंगे 5i-j और फिर आपका दिया है 2 के बटा कर्ली में 30 आ गया है। अब इसको सबको अलग अलग करेंगे 8 से गुणा करके, तो देखिए 8 पर 40i बटा में कर्ली में 30 और माइनस 8j बटा कर्ली में 30 प्लस आधुना 16 के कर्ली में 30, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 के पास हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हम लोग देखते हैं। 11 कहता है कि दर्शाइए कि सदिश 2i-3j+4 के और -4i+6 के -8 के संरेख है। तो पहले तो वेक्टर a बराबर जो दिया है 2i-3j+4 के और वेक्टर b बराबर -4i+6j-8 के, वेक्टर b हो गया और तो वेक्टर b है ना, तो आप इसको क्या करेंगे, दो कामन ले लेंगे यहाँ से, जैसे 4i-6j-8 के तो 2 कामन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 2i-3j+4 के। अब इसके जगह पर माइनस 2 a लिख सकते हैं क्योंकि एक इतना की जगह पर ए लिख सकते हैं, तो इतना आ गया तो ये हो जाएगा। आप एक तभी बोला -2a, कोई भी अंक आ जाए अतः हम लोग कह सकते हैं कि संरेख है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि संरेख है। यदि ऐसा मान आता है कि जो अंक आएगा उसके जगह पर हम लोग a लिख सकते हैं, तो हम लोग एक चीज़ बता सकते हैं कि ये क्या है, एक संरेख सदिश है। ओके सही है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 12 है, 12 नंबर में देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपके पास है और 12 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि सदिश i+2j+3 के का दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। यानी आपका सदिश दिया है, जैसा आपका सदिश में दे दिया गया है i+2j+3k का दिक कोसाइन आपको ज्ञात करना है। तो देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, जब भी डी कोसाइन का मान ज्ञात करना होता है तो थोड़ा मैं आपको बताता हूं कि इससे डी कोसाइन का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। अभी हम लोग जिक्र भी किए थे कि डी कोसाइन को ज्ञात करने के लिए l² + m² + n² का हम लोग प्रयोग करते हैं। देखे है ना, i+2j+3k का डी कोसाइन ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, किसी सदिश वेक्टर a के लिए डी कोसाइन को मान निकालने के लिए आप देखिए यहाँ पर cos अल्फा तो वेक्टर a1 बटा मॉड में वेक्टर a, cos बीटा a2 बटा मॉड में a2 या वेक्टर a, और cos गामा बराबर a3 बटा मॉड में a। तो पहले मॉड में a का जो मान होगा उसको हम लोग निकालते हैं, तो मॉड में a का मान जो निकल कर आएगा, और भाई दिया है ना 1 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो देखिए कर्णी के अंदर 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो कर्णी में 14, तो cos अल्फा बराबर 1/14, 1 क्यों लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 1 है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा 2/14 और cos गामा बराबर 3/14, तो कोसाइन जो निकल कर आएगा 1/14, 2/14 और 3/14 निकल जाएगा, डी कोसाइन निकल जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास। देखिए बाबू 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिंदु ए है 1, 2, -3 और बी है -1, -2, 1 को मिलाने वाले एवं ए से बी के तरफ दिष्ट सदिश डी कोसाइन को ज्ञात करना है। एक तो बात क्लियर हो गई कि ए का मान 1, 2, -3 दिया है, बी का मान इतना और ए बी के तरफ दिष्ट सदिश ज्ञात करना है। चलिए तो आपको ए बी का मान निकालना है, तो फिर y2-x2-x1, देखिए ये x1 है, देखिए ये ए का मान जो होगा x1 होगा, y1 होगा और z1 होगा, और बी का मान x2 होगा, y2 होगा, z2 होगा। तो हमें करना क्या है ना, एक का मान तो x2-x1 लिख देना, इसके साथ i लिखना, प्लस y2-y1 इसके साथ j लिख दो, और प्लस z2-z1 इसके साथ k लिख देना, बात खत्म। वही तो है -1 x2 है, -1 में से 1 घटा दो, -1 - 1 i, प्लस -2 में से -2 कर दो, -2 - 2 j, प्लस 1 माइनस
तीन, लेकिन माइनस में प्लस हो जाएगा तीन। चलो ये तो जोड़ दोगे, माइनस एक माने दो आई, और माने दो माने चार के, और एक और तीन चार, चार आई और कब चार के, ठीक है। अच्छा मार में वेक्टर ए बी का निकालोगे ना, तो मार में वेक्टर ए बी का मान जब निकालोगे तो यहाँ पर दो का स्क्वायर चार, चार का स्क्वायर सोलह, चार का स्क्वायर सोलह, कड़ी में छत्तीस, छः निकल जाए। ए बी का दिक, अब दिक को साइन आपको निकालना है ना, तो पहले जो ए का मान दिया है ना, जो निकाले हैं आप, यहाँ पर माइनस दो है, तो माइनस दो बट्टा जो आपका कर्णी में चौदह आया उसको लिख देंगे, छः आया, माइनस दो बटा छः कट जाएगा, एक बटा तीन कसबीटा का, तो देखो माइनस चार बटा जो मार में आया है छः, तो दो माने मैं दो बटा तीन है, काश घमा का चार बटा छः काटेंगे तो दो बटा तीन आ जाए। तो दी को साइन निकल कर कितना आया, तो एक बटा माइनस एक बटा तीन आया, और माइनस दो बटा तीन आया, और दो बटा तीन आया, आंसर आ जाएगा। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर मतलब फोर्टीन के पास चलते हैं। फोर्टीन का मतलब कह रहा है कि दर्शाइए कि सदिश आई प्लस जे प्लस के अच्छो ओ एक्स ओ वाई तथा ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, कहता है दर्शाइए कि सदिश आई प्लस जे प्लस के अच्छो ओ एक्स ओ वाई तथा ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। चलो तो हमें करना क्या है ना, देखिए आप वेक्टर ए बराबर आई माइनस जे और के मान सकते हैं, वेक्टर ए बराबर, ठीक है। अब जब बराबर कोण के साथ झोंका हुआ है तो देखिए मान लीजिए कि माना सदिश वेक्टर ए तथा ओ एक्स ओ आई तथा ओ जेड के साथ अल्फा बीटा और गामा कोण बनाता है, तथा इनके दी को साइन कास कास अल्फा कास बीटा तथा कास गामा है, समझते हैं। और आप सुनिए अब करना क्या है ना, बराबर कोण बनाता है तो आप इसको मान सकते हैं ना, यहाँ पर ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड मान लीजिए, चाहे एक्स आई वाई जे जो भी मान लीजिए, तो यहाँ पर तो कॉस अल्फा बराबर एक बटा तीनों का स्क्वायर एक बटा कर्णी में, यहाँ पर तीन होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, तीन होगा। वहीं कॉस बीटा बराबर एक बटा कर्णी में तीन, कॉस गामा बराबर एक बटा कर्णी में तीन, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तीनों अल्फा बीटा गामा का मान निकालेंगे तो ये आपका निकल जाएगा, तीनों समान कोण बराबर। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग किसके पास चलते हैं, तो पंद्रह नंबर पर चलते हैं। देखिए पंद्रह नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पंद्रह नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिंदु पी बराबर आई प्लस टू जे माइनस के और Q बराबर माइनस एक आई प्लस जे प्लस के को मिलाने वाली रेखा तीन संबंधी एक अनुपात में एक बार अंतर विभाजन एक बार बाह्य विभाजन करती है, तो निकल गया। देखिए जब अंतर विभाजन करेगा ना, तो हमने पढ़ा था तो एम ओ क्यू प्लस एन ओ पी बटा में एम प्लस एन, अब कुछ बात है ना, ये एम का मान हो जाएगा, जैसे अनुपात जो दिखाता है ना, याद करो जो अनुपात दिखाता है वह एम संबंधी एम का होता है, हाई पी है हाई आपका क्यू है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, ओ पी का मान निकालेंगे, तो आई प्लस दू जे ये दिया गया है, तो चलिए भर देते हैं, दू है एम का मान, ओ क्यू का मान माइनस आई जे के यहाँ पर है दिख रहे हैं, प्लस एन का मान एक, फिर आई प्लस दू जे माइनस के गुणा कर देंगे माइनस दू आई, अब पूरा जब गुणा करेंगे तो माइनस आई प्लस फोर जे प्लस के बटा तीन, तो माइनस एक बटा तीन प्लस चार जे बटा तीन प्लस एक तीन बटा के, ये आपका बाय विभाजन कहेगा तो एम ओ क्यू माइनस एन ओ पी मटा एम माइनस एन, तो दो गुण है ओ क्यू का मान माइनस आई प्लस ए, बाहतर कहेगा तो माइनस, अंतर कहता है तो प्लस, लेकिन बाहतर कहता है तो माइनस, तो दो गुण है माइनस आई प्लस जे प्लस के और माइनस फिर आई प्लस दो जे माइनस के दो माइनस एक, तो आर बराबर माइनस तीन आई, और ये सब आपका माइनस तीन आई प्लस तीन के। अरे यार दो से गुणा करो माइनस दो आई है, माइनस आई तो जोड़ोगे तीन आई नहीं होगा, हाई दो जे हो जाएगा, और दो जे तो चार दू जे है, लेकिन माइनस से गुणा करोगे तो माइनस दू जे हो जाएगा, ये प्लस है कर जाएगा जीरो जे, हाँ ये दू के है माइनस के, दो से गुणा तीनों में होगा ना, तो दू के माइनस के घटेगा तो खाली तीन के, अच्छा माइनस में प्लस हो जाएगा ओके तीन के, और नीचे क्या है एक है, अब ये जीरो वाला हटा दो केवल बच्चे का माइनस तीन आई प्लस तीन के आंसर आ जाए। अच्छा क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं अब सोलह के पास। आइए सोलह नंबर जो क्वेश्चन आपके पास है वह कहता है कि जो है कि दो बिंदु पी दिया है, और जो दो बिंदु आपके सामने हैं पी का मान है दो तीन चार और क्यू का मान है चार एक माने दो को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, तब पी और क्यू को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु, तो दोनों का जोड़ देते हैं बटा में दो, तो जोड़ दीजिए। आइए इधर बताते हैं हम आपको, जोड़ करके दो से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो जोड़ेंगे तो वेक्टर ए बराबर टू आई थ्री जे चार है, वेक्टर बी बराबर चार आई प्लस जे माइनस दो के है, तो जोड़ना है ना, तो चलो ये पूरा जो देख लीजिए, और ये जो भी का मान पूरा दो, देखिए दो को दो आई और चार आई छः आई हो जाएगा, तीन जे और एक जे चार जे हो जाएगा, चार के और चार के में से दो के करेगा दो के बटा में दो, वो भाई दो का मान ले लीजिए,
तो दो से दो कर दी, तीन आई, दो का मतलब ज़्यादा होगा ना, तीन तीन आई, आई दो जे, आई दो के इतना आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के पास हम लोग चलते हैं। 17 नंबर कहता है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी जिनके स्थिति सदिश ए बराबर 3i 4j 4k बी बराबर 2i जे के माइनस जे के और सी बराबर i माइनस 3j माइनस 5k एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। आपको याद होगा ना समकोण त्रिभुज के, देखो पहले ए बी का मान निकालो तो बी में से घटा दो, बी का मान इतना ए का मान इतना, माइनस से गुणा कर देंगे सब में तो आएगा माइनस आई 3j 5k। ओके भैया समकोण त्रिभुज, तब अब मार्ग में वेक्टर ए बी का स्क्वायर निकालोगे, स्क्वायर नहीं होता तो कर्णी के अंदर आता, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो कर्णी से बाहर, तो कितना निकल कर आया 35। चलो बी सी, सी में से बी घटाओ, सी है बी है माइनस कर दो घटा दोगे, आपको याद होगा मैंने थ्योरी में भी बताया था माइनस आई माइनस 2j माइनस 6k, समझे बात को। तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो माइनस एक का स्क्वायर प्लस माइनस दो का स्क्वायर माइनस छः का स्क्वायर, तो हमारे 1 4 6 41 आ जाएगा। सी ए का ए माइनस सी, तो ये देखिए ए का मान पूरा है माइनस सी का मान है, तो ए और सी शब्द किए तो माइनस ये 2i माइनस जे माइनस के, तो सी ए का स्क्वायर देखिए आपका 6 आ जाएगा। ओके ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, क्यों होंगे देखिए हम आपको थोड़ा सा और आगे बताते हैं कि समकोण त्रिभुज के लिए होता है ना सबसे बड़ा जो होगा, कोई जरूरी नहीं कि ए बी लिखेंगे, सबसे बड़ा जो होगा ये बी सी है ना, क्योंकि 41 आया तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर मान में बी सी का स्क्वायर, इसका मान 35, इसका मान 6 41, इसका मान 41 है, तो अर्थात समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सलग चित्र में त्रिभुज ए बी सी के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, देखिए ए है बी है सी है, कौन सा कथन सत्य है सदिशों के योगफल त्रिभुज के नियम से, कि जो आपका ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ए बी प्लस बी सी पलटेंगे तो माइनस सी है, सी ए इधर कर देंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, तो आपका विकल्प नंबर सी सही है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 है और आज का शायद अंतिम क्वेश्चन भी है। कहता है कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो संदेह सदिश है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके चलिए तो आपको सीधे आपको यहाँ पर दिखा देना कि डी नंबर जो विकल्प है वो सही नहीं है, तो इसी पर टिक लगा देना। इसके साथ ही आज का जो अभ्यास होता है खत्म होता है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस कमेंट को सुनूंगा देखूंगा और फिर आपके सामने उस कमेंट को समाधान करने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 10.3 पढ़ते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।